हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ एक गनाश की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो मैंने खाया था वफ़ल के साथ। तो मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना ये केक के साथ भी ट्राई किया जाए, और मैंने ट्राई भी किया, बहुत ही बढ़िया लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आलमंड, आलमंड को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। फिर हम लोग एक पैन में डालेंगे ब्राउन शुगर। आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हो। अभी इसको अच्छे से हम लोग कैरामलाइज कर लेंगे। कैरामलाइज करने के बाद इसमें हम लोग डाल देंगे जो रोस्टेड आलमंड है, वो यहाँ पर हम लोग डाल लेंगे। बेसिकली हम लोगों को एक जो बादाम का चिक्की होता है वैसा आलमंड का चिक्की बनाना है। यहाँ पे बनाने के बाद इसको हम लोग ठंडा कर लेंगे, पूरा अच्छे से ठंडा कर लेंगे, ठीक है। तो ठंडा करने के बाद हम लोग जो ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर में इसको तोड़ के डाल देंगे, ठीक है। इसको अच्छे से हम लोग ग्राइंड कर लेंगे, और बीच में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश क्रीम। आप लोग चाहे तो मिल्क भी ऐड कर सकते हो, और कुछ इस तरह के का आप लोगों को एक पेस्ट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे रेडी हो गया है हमारा आलमंड बटर। अभी इसको हम लोग ऐड करेंगे व्हाइट चॉकलेट गनाश में, ठीक है। यहाँ पे व्हाइट चॉकलेट मैंने ले लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश क्रीम ऐड करके मैंने इसको गनाश बना लिया है। अभी इसमें ऐड करेंगे हम लोग जो आलमंड बटर हमने बनाया है वो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे रेडी हो गया हमारा रोस्टेड आलमंड बटर गनाश। तो ये खाने में इतना टेस्टी लगता है ना, केक के अंदर फिलिंग में डालो, कपकेक के अंदर फिलिंग डालो, या फिर ऐसे आप ब्रेड में लगा के खाओ, ये बढ़िया लगता है। थैंक